दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सरफराज खान को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस को लगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका। नीता अंबानी के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी खौफनाक इंजरी के चलते हुए आईपीएल से बाहर, तो रातों रात बदल गई सरफराज खान की किस्मत। अब एक बार फिर सरफराज खान आईपीएल में धमाल मचाते हुए आएंगे नजर। नीता अंबानी ने दिया हैरान कर देने वाला बयान, तो आखिर क्या सच में मुंबई इंडियंस ने किया अपनी टीम में सरफराज खान को शामिल? आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके बाहर होने से सरफराज खान की पलट गई किस्मत? कितनी मोटी रकम लेकर अब आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे सरफराज खान? क्या नीता अंबानी बनाएगी उन्हें रिप्लेसमेंट? क्या कुछ दिया सरफराज खान को लेकर बयान? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जहां एक तरफ टीम इंडिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 हराकर उन्हें वापस भेज दिया, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस आईपीएल 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए कागज 22 मार्च से होने वाला है लीग का पहला मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। वहीं जिस मैच का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो मुकाबला 24 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देंगी, क्योंकि जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ नए नवेले कप्तान शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को निगरानी करने वाले हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। फैंस बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है। मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है। मुंबई इंडियंस का एक मुख्य खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से आईपीएल से बाहर आ चुका है। खबरों के अनुसार 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आईपीएल की शुरुआत होने से पहले 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को खतरनाक इंजरी हो गई, जिसके कारण वो तीसरे दिन मैदान पर फील्डिंग करने नहीं आए और टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा ने सौंप दी थी। रोहित शर्मा की पीठ में दर्द था। जी हां, रोहित शर्मा बैट से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया, दवाइयां दी गई, एक्सरे कराया गया और इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। इसके बाद तो मुंबई इंडियंस की टीम में अफरा तफरी मच गई। टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गया। फिर नीता अंबानी ने इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी सरफराज खान को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब रोहित की जगह पर सरफराज खान टीम की भूमिका निभाएंगे, इस पर खुद नीता अंबानी ने बयान भी दिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नीता अंबानी ने क्या कुछ बयान दिया है और कितने करोड़ रुपए में उन्हें टीम में शामिल किया है। नीता अंबानी ने सरफराज खान को रोहित शर्मा की जगह पर रिप्लेस करने के बाद बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के लिए बेहद दुख की खबर है कि रोहित आईपीएल से पहले ही चोटिल हो गए और वो टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। इसका दुख हर किसी को है, लेकिन मैं इसका सलूशन खोज चुका हूँ। उनकी जगह पर हम युवा खिलाड़ी सरफराज खान को टीम में जगह दे सकते हैं। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके अंदर मुझे रोहित जैसी प्रतिभा नजर आती है। उन्होंने टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। उनकी बल्लेबाजी की मैं फैन हो गई। मैं सरफराज खान को 10 से 15 करोड़ रुपए में बड़ी आसानी से टीम में शामिल कर सकती हूँ। उनके अंदर मुझे काफी प्रतिभा नजर आती है। आने वाले टाइम में वो मुंबई के लिए बेहतरीन खेल खिला सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, नीता अंबानी के बयान से तो साफ नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा की जगह पर अब सरफराज खान को टीम में मौका मिलने वाला है और उन्हें बड़ी आसानी से 15 करोड़ रुपए की मोटी रकम भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो शाहीन अफरीदी को धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया करोड़ों का ऑफर, तो मुंबई करने जा रही है रिजवान को शामिल। और भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने किया अपनी अपनी टीम में शामिल। जी हां, बीसीसीआई ने किया नियमों में बड़ा बदलाव। 2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं आईपीएल का हिस्सा। तो कौन से हैं वो पाक खिलाड़ी जो आईपीएल 2024 में हमें खेलते दिखाई देंगे और कौन सी टीमें लुटाने जा रही हैं इन पर करोड़ों रुपए? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है, लेकिन अब इंडिया का त्यौहार, जिसे पूरी दुनिया आईपीएल के नाम से जानती है, जब 3 महीनों के लिए भारत की सरजमी पर इंडियन प्रीमियर लीग या कहें विश्व की सबसे प्रसिद्ध T20 लीग के महामुकाबले खेले जाते हैं, उस दौरान पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही टिक जाती है और विश्व के सभी क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी श्रृंखला खेलने से मना कर देते हैं। आईपीएल की पॉपुलैरिटी किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब विश्व में आईपीएल का दौर शुरू होता है, उस दौरान दुनिया के सभी खिलाड़ी आईपीएल में भाग लेने के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आईपीएल में हर साल पूरी दुनिया के खिलाड़ियों पर इतना धन बरसता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बैठकर ऐश और आराम से बिता सकते हैं। हालांकि इस समय ऐसा था जब आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान के खराब रिश्तों के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई ने सभी को हैरान करते हुए आते हुए अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है और आईपीएल 2024 में हमें पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाले। जी हां दोस्तों, सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम और अपनी खौफनाक गेंदों से दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखने वाले शाहीन अफरीदी और युवा गन नसीम शाह को आईपीएल में मौका देने का फैसला कर सकती है। इस खबर ने सामने आते ही क्रिकेट जगत को जैसे हिलाकर रख दिया और आईपीएल में सम्मिलित होने वाले सभी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां 4 बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स शाहीन अफरीदी जैसे तेज गेंदबाज को अपने साथ जोड़ने के लिए सब कुछ लुटा सकती है, तो वहीं आईपीएल में सबसे सफल फ्रेंचाइजी रही मुंबई इंडियंस सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल करने के लिए 15 करोड़ रुपए तक दे दे, इसमें कोई भी शक नहीं है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बल्लेबाजों को अपनी खतरनाक स्पीड और स्विंग से डरा धमका कर रखने वाले गेंदबाज नसीम शाह को आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने खेमे में शामिल करने के लिए पूरी जी जान लगाते हुए नजर आएगी। तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऊपर भी यदि बड़ी बोली लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी, और यदि बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को आईपीएल में सम्मिलित करने का ऐलान कर देती है तो इन सभी खिलाड़ियों पर ही सारी टीमें अपना अधिकांश पैसा लुटा दें, ये देखकर भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब होगा कि पाकिस्तान खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे? जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जाकर आईपीएल में खेलें और हिस्सा बने, तब बीसीसीआई भी इन खिलाड़ियों को अनुमति दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आईपीएल में पाकिस्तान खिलाड़ियों को खेलने का मौका देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों एक नहीं दो नहीं, अपना पंजा खोलकर अश्विन ने अंग्रेजों को धोया, लिख दिया नया इतिहास। तो उनके कातिलाना गेंदबाजी देख टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी हैरान हो गई और फिर उन्होंने अश्विन के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे सानिया मिर्जा ने उड़ाया अंग्रेजों का जमकर मजाक? क्या कुछ अश्विन के लिए तारीफ के कसीदे पड़े? कैसे अश्विन ने एक के बाद एक 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत? क्या कुछ सानिया मिर्जा ने दिया भारत की जीत और अश्विन पर बयान? ये तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन और कुलदीप यादव में कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। अंतिम टेस्ट 2 विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों ने केवल 4 ओवर में ही गिरा दिया। टीम इंडिया को 477 रनों पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन टीम इंडिया ने 259 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। उसके बाद इंग्लैंड टीम अपने इस टेस्ट मैच का दूसरा पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरी। टीम की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकेट बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अश्विन की खतरनाक फिरकी ने इन दोनों को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। अश्विन ने पहले बेन डकेट को अपने दूसरे ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया, फिर उसके बाद अश्विन ने टीम के लिए 6ठा ओवर फेंकने आए और ओवर की तीसरी गेंद पर जैक क्रॉली को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। 21 रनों पर स्कोर पर भारत को 2 विकेट बहुत जल्द मिल गए। उसके बाद भी अश्विन रुकने का नाम नहीं लिया। मैदान पर आए नए बल्लेबाज ऑली पॉप को भी अश्विन ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। 36 रनों के स्कोर पर भारत को तीसरा विकेट भी मिल गया। उसके बाद मैदान पर जो रूट और जॉनी बेरस्टो आए और ये दोनों टीम के स्कोर को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बनाई, लेकिन जॉनी बेरस्टो भी मैदान पर टिक नहीं सके, वो भी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। ये कुलदीप यादव के शिकार हो गए। इसके बाद भी अश्विन की फिरकी रुकने का नाम नहीं ली।